हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटी मैनियर विद रितु। आज वर्सेस होने वाला है तीन तीन चीज़ों के बीच में, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, लैक्मे पॉन्स एंड स्विस ब्यूटी। ये तीनों ही क्रीम आपने बहुत देखी हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं और हर किसी के पास आई एम श्योर होंगी ही होंगी। तो इन तीनों क्रीम्स में से कौन सी क्रीम लेनी फ़ायदेमंद है, कौन सी क्रीम यूज़ करनी है और इन तीनों में फ़र्क क्या है, यही सब मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी कि तीनों क्रीम्स में कितना डिफरेंस है। प्राइस भी लगभग आजू बाजू के ही हैं, 100 की रेंज में सारी आ जाती है तीनों। शायद ही सीसी, ये बीबी क्रीम थोड़ी सी महंगी होगी क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में, लेकिन हाँ अगर बात करूँ तो लगभग सेम ही प्राइस बैठता है, अंडर 100 रुपीज़ में हो जाता है, नहीं तो ये 120 या ऐसे ही कुछ होगा इसका प्राइस, इतना ही है मेरे हिसाब से। बाकी इस इन तीनों क्रीम्स के टेक्चर कितने हैं, किस स्किन के ऊपर ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी, या पार्टी वेयर में कौन सी क्रीम आप यूज़ कर सकते हो, या तीनों में से कौन सी क्रीम आपको लेनी है, यही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये लैक्मे की सीसी क्रीम और इसमें मेरा शेड है 02 हनी। तो पहले हम इसे देखेंगे कि ये वाली जो इसका टेक्चर है किस टाइप का होता है। इस तरफ मैं ये अप्लाई करके दिखा रही हूँ और इसकी कवरेज कितनी है। तो ये है लैक्मे सीसी क्रीम, जो कि ब्लेंड करने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी नहीं है और इसकी कवरेज है इतनी, आप देख सकते हैं इतनी कवरेज है इसकी। अब हम दूसरी तरफ लगा रही हूँ मैं ये पॉन्स की बीबी क्रीम। ये वो सारी क्रीम है जो सबसे ज़्यादा चलती है, ये और इसको भी हम ब्लेंड करेंगे इस तरीके से। ये देखो कवरेज लगभग सेम सी है, लैक्मे की इतनी है, पॉन्स की इतनी है और आई थिंक प्राइस भी लगभग एक जैसा सही है। ये हो गया ये वाला इनका टेक्चर और इतनी कवरेज है इसकी, हाई कवरेज नहीं है, मीडियम से थोड़ा लो कवरेज है। अब आती है हमारी वाटर प्रूफ वाटर ड्रॉप स्विस ब्यूटी की बीबी क्रीम। ये थोड़ा सा लिक्विडी ज़्यादा है, इस पर मेरा शेड है नंबर 01। अब माथे पे मैं इसको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। ये थोड़ा इजीली ब्लेंड हो जाता है, थोड़ा सा इसका जो टेक्चर है वो थिन है। इनका जो टेक्चर है बीबी क्रीम, पॉन्स और लैक्मे सीसी क्रीम, उसका टेक्चर थोड़ा सा थिक है और इसका हल्का सा रनी है, इसलिए ये ईजीली आपकी स्किन में मर्ज हो जाएगा। लेकिन देखो कवरेज लगभग तीनों की ही मुझे सेम लग रही है। टेक्चर की बात करूँ तो लैक्मे की सीसी क्रीम थोड़ी सी थिक है और पॉन्स की भी बीबी क्रीम थोड़ी सी थिक है, लेकिन जो स्विस ब्यूटी की बीबी क्रीम है वो थोड़ी सी थिन है और इजीली मर्ज हो जाती है। लेकिन हाँ ये थोड़ा सा शाइन अच्छा सा देती है। अगर आपको शाइन पर्पज़ से कोई बीबी क्रीम ढूंढ रहे हो तो आप सजेस्ट करूँगी मैं स्विस ब्यूटी की यूज़ करो, ये बहुत अच्छी शाइन देती है, हाई कवरेज नहीं देती है और डेली वेयर के पर्पज़ से ये काफ़ी अच्छा इसका लुक जाता है। अगर आपको थोड़ी सी कवरेज ज़्यादा चाहिए तो आप लैक्मे की सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हो, हल्का सा थिक टेक्चर है, ड्राई स्किन पे हल्की सी ड्राई होगी ये, हल्की सी आपको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज लगा लेना है और पार्टी में भी ये हल्का सा थिक कवरेज दे देती है, मतलब हल्की सी हाई कवरेज दे देती है। पॉन्स का भी सेम ऐसा ही टेक्चर है, क्रीमी है और मतलब हल्का सा ये भी कवरेज देता है। अगर आपको थोड़ा हैवी कवरेज ढूंढ रहे हो तो आप पॉन्स की और लैक्मे की सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हो। डेली वेयर के पर्पज़ से आप ढूंढ रहे हो, शाइनी लुक चाहिए, ग्लॉसी लुक चाहिए, तो आप ये स्विस ब्यूटी की क्रीम यूज़ कर सकते हो। डेली वेयर के पर्पज़ से शाइनी लुक चाहिए, स्किन आपकी क्लीन है, ज़्यादा दाग धब्बे नहीं है, तो आप ये वाला यूज़ करो, ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट देता है। ओवरऑल अगर मैं इन तीनों क्रीम की बात करूँ, अगर आपको कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, उप्स
अगर आपको कवरेज थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए तो आप ये वाला क्रीम यूज़ कर सकते हो, लैक्मे और पॉन्स का। ये हल्की सी हाई कवरेज देता है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं है लेकिन है इसकी भी हाई कवरेज। अगर आपको डेली वेयर के पर्पज़ से चाहिए तो आपको स्विस ब्यूटी ले सकते हो डेली वेयर में, और शाइनी लुक चाहिए तो ये क्रीम बहुत अच्छा शाइनी लुक देती है। ऑयली स्किन है तो मैं लैक्मे का सजेस्ट करूँगी सीसी क्रीम, क्योंकि ये काफ़ी थिक है, थिक मतलब काफ़ी अच्छा खासा थिक है ये क्रीम, और पॉन्स का भी थिक है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करता स्किन को, तो ड्राई स्किन पे ये अच्छा चला जाता है। ये भी ड्राई स्किन पे बहुत अच्छा जाता है स्विस ब्यूटी का। ऑयली स्किन पे लैक्मे की सीसी क्रीम बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो ये था इन तीनों क्रीम्स में फ़र्क। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।